आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से एम आधार एप्लीकेशन को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसमें कैसे आधार कनेक्शन कर सकते हैं, उसमें नेम, जेंडर, एड्रेस सब कुछ चेंज कर सकते हैं आप अपना। उसमें आप अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वेरीफाई कर सकते हैं, एक QR कोड जनरेट कर सकते हैं और QR वहीं से स्कैन भी कर सकते हैं और साथ ही वहीं से आप आधार कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एम आधार एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको यहाँ से ओपन करेंगे, उसके बाद इन सब को रीड करेंगे और रीड करने के बाद इसको स्क्रॉल करेंगे इस तरह और यहाँ आकर के स्किप बटन पर प्रेस कर देंगे, ये स्किप हो जाएगा। उसके बाद हम ये डिक्लेरेशन है इन सब को रीड करेंगे, रीड करने के बाद नीचे आएंगे, यहाँ आई कंसेंट पे क्लिक करेंगे, ये लैंग्वेज चूज करेंगे और कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे और नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपका यहाँ से पूरा डैशबोर्ड लॉगिन हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ डाउनलोड आधार पे क्लिक करके आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ऑर्डर PVC कार्ड पे क्लिक करके आप अपना एक PVC कार्ड मंगवा सकते हैं। यहाँ वेरीफाई आधार पे क्लिक करके आप अपना आधार को वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ से वेरीफाई ईमेल और मोबाइल नंबर इस पे कर सकते हैं। यहाँ से जनरेट वर्चुअल आईडी एक जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से QR कोड स्कैनर कर सकते हैं। यहाँ जनरेट QR एक अपना QR कोड जनरेट कर सकते हैं। यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं या अगर आपको कोई आधार पे करेक्शन करना है तो यहाँ से अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। चलिए आपको हम डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ आधार डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ आपको रेगुलर आधार चाहिए या मार्क्स आधार चाहिए। मार्क्स आधार में आपको अपना आधार नंबर नहीं दिखाएगा, लास्ट का 4 डिजिट दिखाएगा, तो इसलिए हम रेगुलर आधार चूज करेंगे। और उसके बाद यहाँ आई हैव आधार नंबर, आपके पास आधार नंबर है तो आधार नंबर फिल करेंगे या फिर इनरोलमेंट आईडी है तो इनरोलमेंट आईडी चूज करेंगे। मेरे पास यहाँ आधार नंबर है तो यहाँ आई हैव आधार नंबर इसको चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ से अपना आधार नंबर डालेंगे और ये कैप्चा यहाँ फिल करेंगे और रिक्वेस्ट OTP के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP यहाँ फिल करेंगे और यहाँ वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका ये डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। यहाँ ओपन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ PDF चूज कर लेंगे। हमको PDF में चाहिए तो हम यहाँ से PDF चूज कर लेंगे। आपका आधार यहाँ PDF में डाउनलोड हो रहा है। आपका यहाँ पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड आपका नाम का शुरू का 4 डिजिट कैपिटल लेटर में, उसके बाद आपका बर्थ का ईयर रहेगा, वो डाल के ओके पे क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शन पे क्लिक करते ही आपका आधार कार्ड आपके सामने आ जाएगा। आप किसी को भी यहाँ शेयर आइकन पे क्लिक करके यहाँ किसी को भी शेयर कर सकते हैं या फिर अपने पास PDF में रख सकते हैं।